करते हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, आप किसी के साथ भी रहा कर सकते हैं। इवन ऐसे लोगों के साथ कि आपने कभी उनको मिले भी नहीं, मगर आप उनके बारे में और आप वो आपके बारे में जानता है। इट मीन्स यू आर स्टिल अलाइव। इफ यू विल नॉट कम्युनिकेट विच इज अदर, इट मीन्स योर रिलेशनशिप इज व्हाट, डिस्कनेक्टेड। इवन के जो भाई भाई अगर सालों एक दूसरे से बात ना करें तो क्या होता है जी, पता ही नहीं कि वो पुराना की बने मेरा की बने, क्या कहते हैं। अगर आपका रिश्ता अपने इवन के भाई अपने माँ बाप के साथ नहीं, तो इसका मतलब है कि आप उनके लिए मर गए हैं, आप उनके उनकी नजर में आप जिंदा नहीं हैं। मगर जब आप रिश्ते में रहते हैं तो उनको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया, इट मींस आवर कम्युनिकेशन इज द वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ आवर सक्सेसफुल लाइफ। एंड हियर वी कैन फाइंड आउट दोस पीपल, दे हैव द सेम लैंग्वेज दैट दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी क्लियरली। यहां हम बुश की स्टोरी में क्या देखते हैं कि लोग एक दूसरे की जुबान को समझते थे कि वो क्या कह रहा है, हम ये क्या कर रहे हैं। अगर उसने गारा मांगा है तो उसको वो गारा दे रहा है, उसे उसने ईंटे मांगी उसने उसे ईंटे दी है। मगर जब खुदावंद उनके उनके इत्तफाक में क्या किया, ना इत्तफाकी पैदा की, उनकी जुबानें बदल गई, तो वो ईंट की जगह वो गारा लेके आ रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे की बात ही नहीं समझ रहे। जैसे कि आप लोग भी अपने फैक्ट्री में काम करते हैं, कभी कभी सुपरवाइजर बोलता है यार ये चीज उठा कर वहां रख दो, जब तक वो आपको बॉडी लैंग्वेज या आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, इवन योर सुपरवाइजर विल से समथिंग टू यू टू डू दैट। एट लीस्ट यू नीड टू कंसंट्रेट इट, एट लीस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट, राइट। It means communication is very important. And the third and the fourth thing is the will of God. जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की आठवीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है जी, मेरे साथ पढ़े। बस खुदावंद ने उनको वहां से तमाम रोए जमीन में परगंदा किया, सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए। और नवी आयत कहती है इसलिए उसका नाम बाबुल हो, क्योंकि खुदावंद ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तलाफ डाला और वहां से खुदावंद ने उनको तमाम रोए जमीन पर गंदा किया। Now verse 8 to 9 says, so the Lord scattered them from there over the earth and they stopped building the city. That is why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there, the Lord scattered them over the face of the whole earth. Now here we can see, because there was not the will of God. God was not happy with them, because those people are doing to build city and for the trouble, for their own glory, for their own praise. And God was not happy for it. If you really want to get success in your life, always listen and follow the will of God. Amen. यहां देखते हैं कि इन लोगों ने अपनी सताइश के बारे में, अपनी जयजयकार के बारे में सोचा और खुदावंद की मर्जी को उसमें शामिल नहीं किया और खुदावंद को ये चीज पसंद ना आई और खुदावंद ने उन्हें उनकी जुबानों में इख्तलाफ डाला, उनकी यूनिटी टूट गई, उनकी कमिटमेंट टूट गई, उनकी कम्युनिकेशन टूट गई और वो पूरी दुनिया में क्या हुआ, पर गंदा हो गया। किसी ने अमेरिका बना लिया, किसी ने इंग्लैंड बना लिया, किसी ने पाकिस्तान बना लिया, किसी ने इंडिया, किसी ने कोरिया। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो आप इसके बारे में सारी मालूमात हासिल होगी। Here we can see God has scattered them all over the world.
And some people have been to America, England, Korea, Pakistan, India, and so ever. There are how many countries in the world right now? Over 200 countries, right? Duniya mein 200 se zyada mumalik hai. To languages ke baare mein sochenge kitni hongi? Thousands of languages. I'm not talking about thousands. I'm talking about thousands plus S. Hazar zubane nahi balki hazaron zubane honge. अगर जहां जहां जैसे हम खुदावंद हमें कोरिया में लेके आया है तो अब हम कोरियन जबान को सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, लोगों से इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट? अगर आप अमेरिका जाते तो क्या होता? आप इजीली इंग्लिश को फॉलो करते हैं. We are here in Korea. That's why we learn the Korean language, Korean culture, that we can easily communicate with people. You see our pastor here in our World Vision Church, he cannot speak English, but we can easily to communicate with their own language, in Korean language. जैसे कि हमारे जो पाली साहबान हैं यहाँ, उनको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, तो हम उनसे कैसे रابطہ करते हैं? कोरियन ज़बान में. और इसी तरह से यह हम देखते हैं कि ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और चौथी जो है वो है खुदा की मर्जी, द विल ऑफ गॉड. अगर हम खुदावंत की मर्जी पर चलेंगे, खुदावंत को हर एक काम में लाजिम लाएंगे, खुदावंत की मर्जी को डालेंगे, तो हर एक काम जो हम करना चाहते हैं खुदावंत उसमें क्या करेगा जी? कामयाबी देगा. हालेलुया. If you want to get success, then follow the will of God. Ask God that God can give you the answer for yes or no. And when God is with you, then there is nobody against you. Hallelujah. अगर खुदावंद आपके साथ है तो आपका कोई भी कहे दुश्मन नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है. Praise God. If God is with you, there's no one against you. इसलिए हमें खुदावंद की मर्जी को, खुदावंद की मर्जी को जानने की जरूरत है. हर एक काम में हम खुदावंद को अपने सामने रखें. दुआ में खुदावंद से मांगे, ऐ खुदावंद क्या तेरी इसमें मर्जी है? Whenever you pray, whenever you start to do some work, just pray and ask God for His will. And I hope and I believe that you will get success. You will get the perfect answer and perfect success of your life. तभी आप कामयाबी हासिल करेंगे जब आप खुदावंद की मर्जी को अपने जिंदगी में लाएंगे. खुदावंद आप सबको बरकत दे. आमीन. आइए हम दुआ करें. कदोस कदोस जिंदा जलाली बाप, ऐसा हम तेरा शुक्र चाहते हैं आज के दिन के लिए, इस मौके के लिए जो तूने अता किया है. फादर गॉड, वी आर सो थैंकफुल फॉर दिस टाइम दैट यू हैज गिवन अस एज वी लर्न अबाउट द लेसन, द वर्ल्ड, हाउ वी कैन गेट सक्सेस फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द टावर ऑफ बाबेल. फादर गॉड, वी आर थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैज डन इन आवर लाइफ. वी थैंक यू फादर गॉड. खुदा बाप, हम तेरा शुक्र चाहते हैं कि आज की इस कलाम के वसीले से तूने हमें बरकत दी है, और जो हमने बाबल के टावर से हमने सीखा है उस पर अमल करने की मैंने बरकत अता कर. सब कुछ मांगते हैं हमारे प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से. आमीन.